Hello students, so now we discuss very important article which is the moving coil dynamometer of the MCC. From board point of view exam mein 5 mark ka 5 mark ka question generally post kiya jata hai ya to power catching on the current carrying loop ya fir moving coil dynamometer se related. So jab hum galvanometer ki baat karte hain to kis ne kaha ki moving coil, to iska matlab iski jo coil hai wo magnetic field ke andar moving move karti hai, isliye moving coil naam diya isko. और एक्चुअली गैल्वेनोमीटर होता क्या है, गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है विच इज यूज टू डिटेक्ट और मेजर द स्मॉल करंट एंड वोल्टेजेस इन सर्किट. इसी सर्किट में स्मॉल करंट या वोल्टेजेस की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए कि वो सर्किट के अंदर वोल्टेज या करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, डिटेक्ट करने के लिए या मेजर तब जब हम इसको एमीटर में कन्वर्ट कर दें या वोल्टेजेस को जब हम इसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर दें, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर एंड एमीटर. सो पहले इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं. The moving coil galvanometer is based on the principle on the fact that whenever a current carrying coil is placed in a magnetic field, then it experiences a torque. Last video ke andar humne article bhi nikala tha. Whenever a current carrying coil is placed in a magnetic field, then it experiences a torque. और वो टॉर्क हम लिखते थे एन आई ए बी कॉस थीटा, जबकि थीटा किसके बीच में एंगल होता था, प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड इनके बीच में. और ये अगर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता था तो उसके लिए थीटा जीरो हो जाता था. फॉर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड थीटा जीरो होता था, तो थीटा जीरो तो को जीरो वन, तो मैक्सिमम टॉर्क जो आपके पास आता था दैट इज एन आई ए बी. सो इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. हमने ये देख लिया कि गैल्वेनोमीटर क्या करता है, क्या काम आता है, सिद्धांत क्या उसका कि भाई करंट थोड़ा सा पास किया तो उसकी जो कॉइल है वो थोड़ी सी डिफ्लेक्ट होगी, तो उसका पॉइंटर जो है कॉइल से अटैच है वो थोड़ा डिफ्लेक्शन देगा, थोड़ा करंट का अमाउंट बढ़ाएंगे तो डिफ्लेक्शन भी लार्ज होगा. सो लार्ज करंट मीन्स लार्ज डिफ्लेक्शन, स्मॉल करंट मीन्स स्मॉल डिफ्लेक्शन. इसका जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस है वो करंट के लीनियरली प्रोपोर्शनल है, ये चीज इसका प्रिंसिपल. अब बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की. तो कंस्ट्रक्शन को मैं लिखने की बजाय डिक्टेट कर देता हूँ आपको, और कुछ मैंने बोर्ड के ऊपर ब्रीफ में पॉइंट्स लिखे हुए. तो मैग्नेटिक जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एमसीसी, इट कंसिस्ट ऑफ ए टॉर्सन हेड एच. टॉर्सन हेड के जैसे मतलब हम पंखे से लटका देते हैं कोई हुक होता है, उस हुक को हम क्या मान सकते हैं, टॉर्सन हेड मान सकते हैं, अगर उसकी जो मोशन है वो इस तरह से झूमने वाली ना हो, ठीक है, मतलब बिल्कुल रिजिड. इट कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉइल पी क्यू आर एस वन. एस वन मैंने इसलिए नाम लिया क्योंकि साउथ पोल के लिए एस वर्ड यूज हो रहा है. इट कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉइल पी क्यू आर एस वन हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, इंसुलेटेड टर्न्स ऑफ कॉपर वायर. ये कॉपर वायर है और इसके इंसुलेटेड टर्न्स है, इसके ऊपर मिस इंसुलेशन लेकर या वार्निश चढ़ी हुई, विच इज हुज वन एंड इज अटैच टू ए कंकेव मिरर एम. कंकेव मिरर एम के पास सामने इस पास हो रही था कि उसके अंदर इसकी इमेज हो, एंड इट इज अटैच्ड टू ए सस्पेंशन स्ट्रिप, एंड दिस सस्पेंशन स्ट्रिप इज मेड अप ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज और क्वार्ट्स. हमारी चॉइस इस तरह से ली हमने फॉस्फर ब्रॉन्ज और क्वार्ट्स की, ताकि इसका जो ट्विस्ट प्रोड्यूस परमिनेंट डिस्प्लेसमेंट दैट इज स्मॉल, इसके एक वैल्यू स्मॉल हो रही है, हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में. और इसको उस स्ट्रिप को हमने अटैच कर दिया किससे,
टॉर्सन हेड्स। तो इसका मतलब अगर ये स्ट्रिप सस्पेंशन स्ट्रिप थी और ये सस्पेंशन स्ट्रिप अगर मुड़ेगी घूमेगी ठीक है, तो ये वापस क्योंकि इलास्टिक मटेरियल की बनी फॉस्फोर ब्रॉन्ज एंड क्वार्ट्ज मटेरियल आर परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल, तो ये अपने को रिस्टोर करेगी वापस आई, इसका मतलब इसके अंदर रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा। तो एक्सटर्नल टॉर्क तो किसके कारण से होगा, जब इसके अंदर हम करंट पास करेंगे तो करंट कॉइल एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, और इस सस्पेंशन स्ट्रिप के अंदर ड्यू टू इट्स इलास्टिक बिहेवियर ये रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप करेगी। तो हमने इलास्टिक सस्पेंशन स्ट्रिप यूज किया जिसका के सबसे लीस्ट हो, और वो क्या हमने यूज किया फॉस्फर ब्रॉन्ज और क्वार्ट्ज को यूज किया, और इस PQRS1 जो कॉइल है इसका अदर एंड है उसको हमने एक हेयर कॉइल स्प्रिंग एक तरह से सस्पेंशन की तरह काम करते जैसे गाड़ी के सस्पेंशन होते हैं, तो ये क्या करती है इस कॉइल को अपनी पोजीशन में रखती है और इसको एक्स्ट्रा डैमेजेस एक्सटर्नल डैमेजेस या इस कॉइल को अपनी पोजीशन में ना इधर की तरफ निकल पाती ना इधर की तरफ आने देती बाहर की तरफ फेंकती नहीं है, इसको अपनी पोजीशन में रखने का काम होता है। दूसरा ये कि यहां से जब हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे इंटरनल टर्मिनल में तो इसके अंदर करंट इजीली फ्लो करे, मींस कंडक्टिव पाथ देता है कंडक्टिंग पाथ। दूसरा इसकी फीचर्स क्या होंगी, ये भी फॉस्फर ब्रॉन्ज या क्वार्ट्ज की बनी होगी, जो एस डैश है दैट इज ए हेयर कॉइल स्प्रिंग, एस डैश इज हेयर इट इज द हेयर, सो एस डैश इज ए हेयर कॉइल स्प्रिंग, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज एंड क्वार्ट्ज। और इसकी फीचर्स क्या क्या है, एक तो इसका जो की वैल्यू लिस्ट है, दूसरा कंडक्टिंग है मींस रेजिस्टिविटी इसकी लो है, दूसरा इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा भी स्मॉल है, मींस एस डैश की फीचर्स क्या क्या है, एस डैश की फीचर्स ये है, एक तो के इसका लिस्ट है, दूसरा इसकी रेजिस्टिविटी लो है ताकि इजीली कंडक्ट कर सके, तीसरा इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा वो भी स्मॉल है ताकि टेम्परेचर के चेंज के कारण से इसका रेजिस्टेंस चेंज ना हो, और चौथी चीज ये हाईली टेंसाइल है, हाईली टेंसाइल कैन का मतलब ये हुआ कि टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा है, ये एसडीएस की फीचर थी। इसी तरह की फीचर्स हमारे पास जो सस्पेंशन स्ट्रिप है उसकी भी। अब आपने क्या किया, इस कॉइल जो आपके पास PQRS1 थी इसको दो कंकेव शेप पोल पीसेस एन और एस के बीच में रख दिया, पीछे लास्ट आर्टिकल में मैंने पढ़ा था कंकेव शेप पोल पीसेस लेने का फंक्शन ये है कि इट विल प्रोड्यूस द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, मींस आपके पास मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा, प्लेन ऑफ द कॉइल विल बी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगी प्लेन ऑफ द कॉइल, और करके कन्वर्स करता है फील्ड लाइंस को, तो फील्ड लाइंस मोस्टली किसमें स्पास होंगी, इस कोर में स्पास और सॉफ्ट आयरन कोर यूज कर लिया तो टॉर्क और भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा क्योंकि बी की वैल्यू क्या करेगी बढ़ जाएगी ठीक है। सो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए सॉफ्ट आयरन कोर कर लिया हमने और कंकेव शेप के पोल पीसेस ले लिए ताकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सके। अब ये कहता है कि जो इसके एस डैश को एक कंडक्टिंग वायर लेकर के कनेक्ट कर दिया बाइंडिंग टर्मिनल C2 से, और जो टॉर्सन हेड था उसको कनेक्ट कर दिया टर्मिनल T1 से, तो यदि टर्मिनल और इस पूरे असेंबली को एनक्लोज कर दिया किसी नॉन मैग्नेटिक केस में, वुडन केस भी ले सकते हैं या कोई आपके पास बेकलाइट पॉलीमर का कोई नॉन मैग्नेटिक केस है तो उस नॉन मैग्नेटिक केस में रख दिया, और यहाँ पे L1 और L2 क्या है लेवलिंग स्क्रूज हैं ठीक है। लेवलिंग स्क्रू कहने का मतलब ये हुआ कि ये लेवल हो और दूसरी इसकी कोई भी एक हॉरिजॉन्टल पोजिशन में हो ठीक है, तो ताकि इक्विलिब्रियम आसानी से सेट हो सके, और इसको इसकी विंडो को क्लोज करके ग्लास विंडो ले सकते हैं और उसमें क्लोज करता कि बाहर का हम देख मूवमेंट भी देख सकें इसकी, तो ताकि एयर वगैरह की कोई डिस्टर्बेंस ना हो एक्स्ट्रा डिस्टर्बेंस ना हो। तो इस पूरे असेंबली को हमने इनक्लोज कर दिया किसी नॉन मैग्नेटिक वुडन और प्लास्टिक केस के अंदर, और लेवलिंग स्क्रूज L1 और L2 को स्प्लिट लेवल यहाँ रखकर हम चेक कर देंगे कि हॉरिजॉन्टल लेवल इसका है या नहीं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इन टर्मिनल्स T1 और T2 पे हमने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, तो T1 और T2 का काम क्या है बाइंडिंग टर्मिनल्स कहते हैं, इन पे पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। N और S क्या थे कंकेव शेप पोल पीसेस थे, कंकेव शेप पोल पीसेस का काम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना होता है, मींस थीटा इज इक्वल टू 0 या अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री ताकि मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस हो सके, तो कंकेव शेप पोल पीसेस लिए जाते हैं। L जो है अगर हमारे पास कोई हमने ऐसे सर्कुलर मार्ग बनाई तो सर्कल बनाने के लिए जो कोर यूज करेंगे वो कैसे यूज करेंगे स्फेरिकल, और अगर हमने रेक्टेंगुलर बनाई तो कैसे यूज करेंगे हम सिलेंड्रिकल, तो हमारे पास जो L है वो सॉफ्ट आयरन कोर है वो सिलेंड्रिकल शेप की भी ली जा सकती है, सिलेंड्रिकल शेप की कब ली जाएगी हम रेक्टेंगुलर कॉइल बाउंड करें तब, और वो स्फेरिकल भी ली जा सकती है स्फेरिकल तब लेके जब हम सर्कुलर कॉइल हमने बाउंड करेंगे।
और सॉफ्ट आयरन कोर का पर्पज क्या है कि ये गैल्वेनोमीटर को डेड हीट बनाता है, क्योंकि इसके अंदर आगे हम पढ़ेंगे एडी करंट फोर्थ यूनिट के अंदर ईएमआई के अंदर, तो वहां पे हम इसका कांसेप्ट पढ़ेंगे एडी करंट का। तो अपने अंदर एडी करंट रिड्यूस करके जो इसके मोशन थी उसको बैलेंस करता है, ताकि करंट के सप्लाई होने के बाद इसके अंदर मोशन बंद हो जाए और मोमेंटरी रेस्ट पे आ जाए और एग्जिट रीडिंग दे पाए। ये इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट्स के बारे में डिस्कशन था। तो जब हमने इसके पोटेंशियल अप्लाई किया इन एंड्स के ऊपर, तो इसके अंदर एक करंट फ्लो करेगा पी क्यू आर एस वन में ऐसे। और आपने पढ़ा है कि जब भी किसी करंट कैरिंग कोइल को किसमें रखते हैं, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो वो क्या करती है, एक टॉर्क एक्सपीरियंस करती है। क्या एक्सपीरियंस करती है, टॉर्क। तो इसके अंदर एक करंट, और वो टॉर्क कितना होता है, दैट इज इक्वल टू एम आई ए बी। तो आपने कहा थ्योरी की बात करते हैं हम, when potentials are applied between terminals T1 and T2। तो इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो करेगा और वो कॉइल रखी किसमें, इस मैग्नेटिक फील्ड में रखी, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में। तो कहता है कि when potentials are applied between terminals T1 and T2, then a current flows, a current से आई फ्लोज इन द कॉइल, कॉइल के अंदर करंट फ्लो करेगा और करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो उस पर क्या काम करेगा, टॉर्क, सच दैट देयर एक्स ए टॉर्क। और टॉर्क का कितना मैग्नीट्यूड होगा, जो प्रिंसिपल में लिख चुके हैं, क्योंकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज इक्वल टू एन आई ए बी। इक्वेशन नंबर सेकेंड, एन नंबर ऑफ टर्न्स है इस कॉइल के, आई करंट की स्ट्रेंथ है, ए एरिया ऑफ द लूप है और बी स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है। अब हमने कहा कि सपोज ये हमारे पास पी क्यू आर एस वन स्ट्रिप है और इसको ऐसे सस्पेंड करके, सस्पेंड करने का मतलब ऐसे पकड़ लिया सीधी सीधी, और इसके अंदर करंट फ्लो किया और करंट कैरिंग कोइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो इस पे क्या काम करेगा, टॉर्क काम करेगा। और टॉर्क काम करने का मतलब ये ऐसे ट्विस्ट होगी, ये पटरी है जो सस्पेंशन स्ट्रिप है ये ट्विस्ट होगी, ये तो घूमेगी टॉर्क के कारण से, इसके ऊपर एक फोर्स की तरफ एक सेकंड अंदर की तरफ लेगा। तो ये जो सस्पेंशन स्ट्रिप थी, सस्पेंशन स्ट्रिप मतलब मेरा हाथ है, मेरा हाथ मुड़ेगा, ठीक है। अगर मैं ये समझूं ये स्ट्रिप थी और ये इलास्टिक है, तो ये अपनी पोजिशन को क्या करेगी, रिस्टोर करेगी। रिस्टोर करेगी मतलब इसमें भी क्या आएगा, रिस्टोरिंग टॉर्क। और जैसे रिस्टोरिंग फोर्स का आपने एक्सप्रेशन पढ़ा था इक्वल टू माइनस Kx, उसी तरह से रिस्टोरिंग टॉर्क का भी आपने रोटेशनल एसएचएम में पढ़ा था, टो इज इक्वल टू माइनस के थीटा, माइनस साइन रिस्टोरिंग नेचर को बताता। तो कहता है कि ड्यू टू दिस टॉर्क सस्पेंशन स्ट्रिप गेट्स ट्विस्टेड, सस्पेंशन स्ट्रिप क्या कर जाएगी भाई, ट्विस्ट कर जाएगी, मुड़ जाएगी, यानी का मतलब मुड़ेगी, अलबिट्टे लगेंगे। जैसे आप रबड़ अलबिट्टे लगाते हैं तो इलास्टिक होता है, रबड़ मान लीजिए या कोई एक स्ट्रिप है स्पोर्ट्स स्ट्रिप की, और उसको आप मोड़ो तो बैंड करोगे तो वापस क्या करेगी, ट्विस्ट होकर के वापस अपने ओरिजिनल पोजिशन पे आ जाती है, इस रिस्टोर करती है। सो सस्पेंशन स्ट्रिप गेट्स ट्विस्टेड, बट एज इट इज ऑफ फॉस्फर ब्रोंजाइड पार्ट्स, इट इज मेड ऑफ इलास्टिक मटेरियल्स, सो इट विल रिस्टोर टू ओरिजिनल पोजिशन, ओरिजिनल पोजिशन को क्या कर जाएगी भाई, रिस्टोर करेगी, ठीक है। मीन्स दैट इज देयर डेवलप्स a restoring torque, और वो restoring torque कितना होगा, that will be equal to tau is equal to k into theta, यानी कि हम ज़्यादा मुड़ेगी,
तो ज्यादा रिस्टोर करना पड़ेगा, कम बढ़ेगी तो कम रिस्टोर करना पड़ेगा। तो टॉ किसके प्रोपोर्शनल है? थीटा के। थीटा अगर इधर की तरफ है तो रिस्टोर क्या करेगी उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, और थीटा इधर की तरफ है तो रिस्टोर इधर की तरफ करेगी, अपोजिट डायरेक्शन तो माइनस साइन होगा। ठीक है, माइनस साइन रिस्टोर इंटीग्रल को बताया। तो इसको अगर इक्विलिब्रियम में सॉरी प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी पर बदलते कांस्टेंट आ गया की, ठीक है, और माइनस साइन की रिस्टोर इंटीग्रल तो मैग्नीट्यूड की बात करनी, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। यहां के क्या है कि टो बाय थीटा, टो इज द रिस्टोरिंग टॉर्क एंड थीटा इज ट्विस्ट, सो के इज व्हाट रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट, पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट। ठीक है, ये के की वैल्यू, और इस के की वैल्यू लीस्ट से लीस्ट हम चूज करने की कोशिश करेंगे, और लीस्ट किसके लिए होती है, ये परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल, और वो परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल आपके पास क्या है, दैट इज द फॉस्फर ब्रोंज, फॉस्फर ब्रोंज आता है परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल, इसलिए हमने इसको चूज किया था, प्रेफर किया था ताकि इजीली रिस्टोर कर सके। तो एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा भाई, भाई भाई इस करंट के कारण से तो कोइल क्या करेगी, घूमगी, ठीक है, और इसके साथ कौन अटैच था, सस्पेंशन स्ट्रिप, सस्पेंशन स्ट्रिप स्ट्रिप पिस्ट होगी, लेकिन ये इलास्टिक मटेरियल की तो रिस्टोर करेगी, इसका मतलब इसके अंदर तो रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा, जस्ट इसके अंदर जो टॉर्क आया था उसके बराबर होगा, तभी तो वही उसी पोजिशन पे आ पाएगी। एट इक्विलिब्रियम ये दोनों टॉर्क क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, मीन्स एन आई ए बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल के इंटू थीटा। तो यहां से अगर हम देखते हैं I की वैल्यू, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K डिवाइडेड बाय N A और B और थीटा, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। अब K N A B ये सारे पैरामीटर फिक्स हैं, B स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पोल, B इसकी स्ट्रेंथ, एरिया ऑफ द लूप चेंज नहीं हो रहा, फिक्स कर दिया, नंबर ऑफ टर्न्स भी हमने जो बनाए 500 या 400 300 जितने भी किए, और K हमने मटेरियल चूज किया हो, तो इसका मतलब ये सारा पैरामीटर जो है कॉन्स्टेंट है, तो इसको हमने लिख दिया I इज इक्वल टू G और थीटा, वेयर G इज एक पर्टिकुलर कैलोमीटर जो आपने बनाया, कितने न्यूटन का बनाया, कितने एरिया का बनाया, कितनी फील्ड स्ट्रेंथ का लिया, उसके लिए फिक्स है, तो इसको कैलोमीटर कांस्टेंट बोलते हैं, के बाय एन ए बी इसको बोलते हैं, कार्ल गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक्सप्रेशन ये आ गया आई इज इक्वल टू जी और थीटा, सही क्वेश्चन नंबर 5। अगर ये जी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हटा दीजिए, कांस्टेंट को हटा दीजिए, इसका मतलब क्या होगा, आई प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया थीटा, क्योंकि जी क्या था, ये कांस्टेंट था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो करंट हम डिटेक्ट करना चाहते हैं, अगर उसके अंदर डिफ्लेक्शन ज्यादा आ रहा है स्केल का, तो इसका मतलब करंट ज्यादा है, डिफ्लेक्शन ज्यादा तो करंट ज्यादा, डिफ्लेक्शन कम तो करंट कम, सो दैट इज करंट फ्लोइंग is current flowing I is linearly proportional, is proportional to the deflection produced, तो deflection को note करके हम current को estimate कर सकते हैं, deflection ज्यादा तो current ज्यादा, deflection कम तो करंट भी कम। सो यूजिंग ए लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट, यदि हम एक स्केल ले लें, यूजिंग ए लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट, यूजिंग लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट, आई करंट जो है कैन बी एस्टिमेटेड। जनरली जो आपके पास लैब के अंदर यूज होते हैं गैल्वेनोमीटर छोटे होते हैं, और वो इस तरह के होते हैं कि आपके पास ये कंकेव शेप के पॉल पीसेस ले लिए, और यहां इसके अंदर एक कॉइल लगा दी, सपोज ये रेक्टेंगुलर कॉइल ले ली और कई सारे टर्न बना दिए इसके, और इसके जो टर्मिनल्स हो गए वो ये ले लिया T1, और ये दूसरा टर्मिनल आ गया T2। ठीक है, और इसका जो पॉइंटर था
उस पॉइंटर का एक्सल ये था और ये पॉइंटर अटैच था उससे, और यहां स्केल बनी हुई है। सपोज ये जीरो मार्क, ये हम वन बोल देते हैं, ये टू बोल दिया, ये थ्री, ये सपोज फोर, ठीक है, वन टू थ्री फोर। तो जैसे ही टर्मिनल्स में हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो करंट फ्लो करेगा, और करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो उसके ऊपर क्योंकि प्लेन ऑफ द कॉइल हमेशा पैरेलल रहेगा किससे, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो कन्केव शेप फोर पीसेस लेने से ही हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा हो जाता था, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हो जाता, ठीक है। तो हम इस तरह से वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर बोलते हैं इसको, वेस्टर्न टाइप। और इसकी जो अगर कॉइल को हम किसी सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर वाउंड कर दें तो हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो कैसा बन जाता है, डेड वेट गैल्वेनोमीटर बन जाता है। तो इसलिए हम या तो सिलेंड्रिकल अगर रेक्टेंगुलर कॉइल बनानी है तो, और अगर हमें सर्कुलर बनानी है तो स्फेरिकल कोर हम यूज करते हैं ताकि एडी करंट्स उसके अंदर प्रोड्यूस हो जाए और वो एक डेड वेट गैल्वेनोमीटर बन जाए। अब ये जो गैल्वेनोमीटर है इस गैल्वेनोमीटर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग ए सेंट्रल रेजिस्टेंस एमीटर में और एक वोल्टमीटर। तो हम कन्वर्जन डिस्कस करेंगे इनटू वोल्टमीटर एमीटर। सो नाउ फॉर कन्वर्टिंग ए गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर वी रिक्वायर सेंट रेजिस्टेंस व्हिच इज लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए गैल्वेनोमीटर और एन एमीटर। सो सेंट की बात करें, सेंट का मतलब ये है कि अगर कोई मेजर पोर्शन ऑफ द करंट आएगा उस डिवाइस को अगर डैमेज कर सकता है तो उसको बाईपास कर दें, ठीक है। इसका मतलब एक पैरेलल में आप लो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दीजिए तो लो रेजिस्टेंस का मतलब एक इजी पाथ होगा तो उसमें से बाईपास होकर के चला जाएगा वो करंट और उस डिवाइस के अंदर जाएगी, सेफ रह जाएगी। तो सेंट इज ए लो रेजिस्टेंस, इज ए लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए गैल्वेनोमीटर और एन एमीटर। मीन्स अगर ये आपके पास एक सपोज गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस हमने जी कह दिया और ये अपने में से मैक्सिमम करंट से आईजी भी अप कर सकता है, फुल स्केल का जो डिफ्लेक्शन का आईजी, तो अगर करंट का जो इनपुट अमाउंट है वो अगर इस आईजी से ज्यादा हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि ये करंट इस आईजी को एक्सीड करेगा तो इस कॉइल में स्पास होगा तो उस गैल्वेनोमीटर को डैमेज कर सकता है। तो इसको डैमेज से बचाने के लिए हम जो ये करंट था आई ग्रेटर देन आईजी इसमें से कुछ पोर्शन इसका बाईपास कर दिया, एक लो रेजिस्टेंस मींस एस में से पास कर दिया, मीन्स केवल आईसी पोर्शन इसमें से जाएगा, बाकी का जो फ्रैक्शन हुआ मीन्स कौन आई माइनस आईजी या जिसको आईएस में आईएस भी कह सकते हैं, आईएस और आईएस किसके बराबर है, आई माइनस आईजी के बराबर है। तो ये वापस आ गया आई माइनस आईजी और आईजी के साथ मिलकर के वापस एस आई। तो इसका मतलब ये करंट इस पाथ को इसी पाथ को क्योंकि एस क्या है लो रेजिस्टेंस है तो इससे ये जो डिवाइस है क्या होगी सेफ होगी, ठीक है। या गैल्वेनोमीटर के लिए हम अगर रेंज को चेंज करना चाहते हैं ठीक है तो भी हम कर सकते हैं, रेंज को अगर बढ़ाना चाहते हैं अगर एमीटर की तो भी कर सकते हैं। तो अगर हम ये देखें कि ये दो पॉइंट्स अगर ए और बी हैं तो ए और बी के बीच में ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है सेम, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ वो तो कितना हो गया आई सी इंटू जी गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस, और सेंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना आ गया I माइनस आई जी इंटू एस, जबकि यहाँ ये I करंट था I का कुछ पोर्शन इधर की तरफ चला गया कुछ इधर, तो आई एस प्लस आई जी है I, क्योंकि यहाँ से आएगा कौन ये I माइनस आई जी मीन आई एस ही आएगा, तो आई एस प्लस आई जी, तो अगर आई एस निकालते हैं तो आई एस कितना आया I माइनस आई जी, या फिर अगर आई जी निकालते हैं तो दैट विल बी I माइनस आई एस, इनमें से किसी एक को यूज कर रहे हैं तो हमने कितना यूज कर दिया आई माइनस आई जी यूज कर दिया किसके लिए आई एस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे रख दिया तो यहाँ से हमारे पास जो सेंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी आएगी दैट इज आई जी इंटू जी ओवर आई माइनस आई जी।
इम्पोर्टेंट रिजल्ट है एमीटर के लिए भी, क्योंकि अगर हम देखें कि आई माइनस आई सी टर्म को देखें, आई सी का फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट था जो एलोमीटर के अंदर आ सकता आई सी, और अगर हम करंट की रेंज उससे बढ़ाना चाहते हैं तो आई माइनस आई सी टर्म आई ग्रेटर आई सी होगा, तो आई माइनस आई सी टर्म पॉजिटिव आई रेजिस्टेंस पॉजिटिव अवेलेबल, लेकिन अगर रेंज घटाना चाहें तो घट नहीं सकते भी, एमीटर की रेंज बढ़ा सकते हैं घटा नहीं सकते, वोल्टमीटर की रेंज बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, लेकिन एमीटर की रेंज केवल बढ़ सकती है घट नहीं सकती, क्योंकि आई माइनस आई सी टर्म कैसा हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो हम बाद में डिस्कस करें। तो इस शंट का काम क्या क्या पर्पज में किस किस पर्पज में काम आएगा, पहला तो किसी डिवाइस को सपोज एलोमीटर के एमीटर को स्ट्रॉन्ग करंट के एक्शन से, स्ट्रॉन्ग करंट आ रहा है उसके एक्शन से बचाता है, प्रोटेक्ट्स गैलोनोमीटर, और एमीटर फ्रॉम द एक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग करंट्स, फ्रॉम द एक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग करंट्स। सेकेंड बात कि गैलोनोमीटर को कन्वर्ट करना किसी एमीटर में, यूज to convert a galvanometer into an ammeter, ammeter में convert करना होगा। तीसरा, अगर ammeter की range को हमें increase करना हो, क्योंकि decrease तो नहीं कर सकते, for increasing the range of emitter means I greater than IZ बनाना, क्योंकि IZ क्या है, full scale diffraction current, ठीक है, घट नहीं सकती, वो हम बाद में डिस्कस कर देंगे, अभी लिखना चाहते भी लिख दे, क्योंकि I less than IZ लोगे तो इसके लिए negative, negative resistance is possible नहीं हमारे पास physically, ठीक है, practically, तो ये shunt use किया जाएगा emitter में convert करने के लिए, किसको, galvanometer। तो अब हम बात करते हैं एमीटर की, एमीटर होता क्या है और गैल्वेनोमीटर को कैसे कन्वर्ट करें किसी एमीटर के अंदर। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर गैल्वेनोमीटर किसी एमीटर में, तो पहले हम ये बताना चाहिए कि एमीटर काम क्या करता है, ठीक है, आपको पता है कि एमीटर किसी सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू को मेजर करता है, और करंट किस में सेम रहता है, सीरीज में, ठीक है, तो किस में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में, सो एन एमीटर इज एक गैल्वेनोमीटर होता है, लेकिन ऐसा गैल्वेनोमीटर इसका लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस के गैल्वेनोमीटर तो कहलाएगा एमीटर, और हाई रेजिस्टेंस का तो गैल्वेनोमीटर है वो क्या बन जाता है, वोल्टमीटर। एमीटर इज ए लो रेजिस्टेंस, एमीटर इज ए लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर, लो रेजिस्टेंस का जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या होगा, एमीटर की तरह रिकॉर्ड किया जाएगा, लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर, एमीटर इज ए लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाएगा। अब क्योंकि करंट किस में सेम रहता है, सीरीज में, तो एमीटर किस में कनेक्ट किया जाएगा, सीरीज में, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ए गिवन सोर्स ऑफ सर्किट, विद ए गिवन सोर्स और इन सर्किट, किसी सर्किट में सीरीज में जोड़ा जाएगा। ये मत समझिए कि भाई गैल्वेनोमीटर से और सीरीज में जोड़ के कोई रेजिस्टेंस बन गया होगा एमीटर, नहीं, पहले गैल्वेनोमीटर है उसके साथ पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस जोड़ दीजिए, पैरेलल में जोड़ने से रेजिस्टेंस आपको कस कर कम होता, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस और भी कम हो जाएगा, और वो क्या बन जाएगा, एमीटर, और उसको आपने क्या करना है, सीरीज में जोड़ना है सर्किट के अंदर, क्योंकि करंट मेजर करने का काम है और करंट किसमें सेम रहता है, सीरीज में, एज आई रिमेन्स सेम इन सीरीज,
करंट सीरीज में क्या होता है सेम। ठीक है, तो पहले अब हम क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं किसका, गैल्वेनोमीटर का इनटू एमीटर। तो कैसे करते हैं कि सेंट्रल रेजिस्टेंस यूज करके, तो आपने क्या किया जो बिल्कुल वही किया है वो का वही काम। यहाँ पे अगर हम इसको आई एस बोलते, ठीक है, तो आई एस इंटू एस और ये लिखते हैं आई सी। तो अगर ऐसे भी करना चाहें तो दूसरा पार्ट कर सकते हैं आई एस इंटू एस, ठीक है, और दैट इज आई सी इंटू जी। तो आई सी का मान कितना लिखा जाएगा, आई सी इंटू जी, आई सी की ये लिखी जाएगी आई माइनस आई एस इंटू जी इज इक्वल टू आई एस इंटू एस। तो यहाँ से एस की वैल्यू ऐसे भी आ सकते हैं, एस इज इक्वल टू आई माइनस आई एस इंटू जी और डिवाइडेड बाय आई एस, ठीक है। लेकिन हम ये वाला मेथड यूज करते हैं आई माइनस आई जी, मान लेते इस करंट को आई एस वैल्यू इसके एनर्जी जनरेट छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपका ये कोई गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस जी है और इसके पैरेलल में करंट को बाईपास करने के लिए, बचाने के लिए या फिर कन्वर्ट करने के लिए किसमें, एमीटर में, तो हम सेंट यूज करते हैं, सेंट रेजिस्टेंस यूज करते हैं एस। इसकी वैल्यू हम देखेंगे कि अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, मेरे को आई जी से आई रेंज में चेंज करना है, आई जी से किसमें चेंज करना है, आई रेंज में चेंज करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये करंट आई था तो इसका मैक्सिमम जो करंट है वो आई जी इसके अंदर से बी रख कर सकता है, तो रेस्ट ऑफ द करंट कितना हुआ आई माइनस आई जी, ये इसके अंदर से क्या हो गया बाईपास हो गया और बाकी सेटन हो गया इस जंक्शन के ऊपर एज आई। ठीक, तो क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्ट है तो आपने लिखा पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में सेम होगा, तो आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू कितना भाई एस। तो यहां से एस की वैल्यू आ गई आई जी इंटू जी ओवर आई माइनस आई जी इंटू सॉरी आई माइनस आई। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गया, जी आपको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस नोन था, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितना बी रख कर सकता वो, अब किस रेंज का बनाना है वो, तो आई माइनस आई जी का जी भी पता है तो आपके पास एस निकाला जा सकता है। सो नोटिंग, तो यहाँ पे आई जी क्या है, आई जी इज अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट मतलब पूरे खाने जितने भी मान उसके अंदर 50 खाने थे तो 50 खाने तक का करंट फुल स्केल डिफ्लेक्शन, मतलब यहाँ था तो यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम स्केल तक कितना आ सकता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ठीक है, अब यहां हम एक टर्म यूज कर रहे हैं के, के का मतलब क्या है, फिगर ऑफ मेरिट कहते हैं इसको, और अगर इसके अंदर जितने गैल्वेनोमीटर की जो स्केल है ये स्केल मान लिया, ठीक है, ये पॉइंटर था, ये खाने वाले गिने और ये खाने कुल मिले कितने एन, ठीक है, और एक खाने के लिए अगर एक खाने का डिस्प्लेसमेंट करना चाहते हो तो करंट आता हो कितना के, एक खाने के डिफ्लेक्शन के लिए जो करंट है यहां जीरो से यहां तक लाने के लिए वो कितना है के, तो एन खानों कितना हो जाए एन इंटू के, और क्योंकि एन डिवीजन है, कितने डिवीजन है इसके अंदर एन डिवीजन है, एक डिवीजन का करंट कितना बता रहे हो के बता रहे हो, एक डिवीजन का करंट क्या बता रहे हो के, तो फुल स्केल के लिए डिफ्लेक्शन करंट कितना हो जाएगा आई सी इज इक्वल टू एन इंटू के, एक खाने का के तो एन खाने का कितना एन इंटू के, के फिगर ऑफ मेरिट का मतलब क्या है बताइए, दैट इज डिफ्लेक्शन या करंट फॉर यूनिट स्केल डिवीजन, करंट फॉर सिंगल डिवीजन, एक डिवीजन का करंट के, तो डिवीजन टोटल कितने एन, तो पूरे डिवीजन का करंट कितना आ जाएगा एन इंटू के, ठीक, और अगर के निकालना चाहिए यहां से तो के हमारे पास कितना आ जाएगा आई जी बाय एन, टोटल करंट डिवाइड बाय टोटल डिवीजन, तो इसका मतलब क्या हो गया करंट पर डिवीजन, करंट पर डिवीजन, तो इसका मतलब अगर ये एस हम कनेक्ट कर दें इस वैल्यू का, एस अगर कनेक्ट कर दें तो हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो आई जी के कंपैरेटिव आई रेंज में चेंज हो जाएगा, इस रेंज में चेंज हो जाएगा आई रेंज में चेंज, जबकि एस अगर हम कनेक्ट कर दें दो रेजिस्टेंस, ठीक है, तो अब जो रेजिस्टेंस कम होगा क्योंकि रेजिस्टेंस इफेक्टिव क्या हो जाएगा कम, तो क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्ट है और पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है वन ओवर आर इफेक्टिव, R1 means 1 over G plus 1 over
एस तो पहले ही मैं आपको जोड़ना था, ये कितना था, आर एस इज इक्वल आर टी इज इक्वल टू आर वन आर टू और आर वन प्लस आर टू, तो इसको निकालोगे तो इसमें लोगे जी एस आ जाएगा एस प्लस जी, और उल्टा करोगे तो आर इफेक्टिव जो आ गया जी एस ओवर जी प्लस एस। तो आपने ये मेंशन नहीं किया है कि एस तो क्या है, लो रेजिस्टेंस है, लो रेजिस्टेंस मतलब जी प्लस एस टर्म में अगर ये लो वाली टर्म हटा दें तो कितना बच जाएगा जी, तो इसका मतलब जी एस ओवर यहाँ पे क्या लिखा जाएगा जी, तो जी से जी कट जाएगा, तो इसका मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपका केवल किसके बराबर आया, इक्वलेंट टू एस की वैल्यू, एस कितनी वैल्यू थी, तो इसका मतलब चीज है लो रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एमीटर हुआ वो एमीटर कैसे रेजिस्टेंस का हुआ, लो रेजिस्टेंस का गैल्वेनोमीटर, ऐसा गैल्वेनोमीटर जो कि लो रेजिस्टेंस का। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा जो बक्सा बन गया ये जी और ये एस का हिसाब किताब इसके साथ ही लगा करके ताकि ये आई माइनस आई जी टाइम इसमें से चला जाए, ये वापस आई आ जाए। तो इस बक्से को पूरे को हम क्या रिगार्ड करेंगे, डॉटेड में लिख दिया, इसको एक एमीटर मान लेंगे, क्या मानेंगे, इसको एक एमीटर, और इस एमीटर को सर्किट के साथ किस में जोड़ा जाएगा, सीरीज। अब ये एमीटर बनेगा, इसको किस में जोड़ें, सीरीज में, समझ गए बात। अच्छा अब ये हुआ कि अगर हमें यू कहें कि ये एमीटर की रेंज बढ़ाने और घटाने के बारे में बात करें, तो क्योंकि हमारे पास ऐसा है आई जी ओवर आई माइनस आई जी इंटू जी, ठीक है, तो आपको कहें कि फॉर इन डिक्रीजिंग की बात कर लेते हैं, पहले फॉर डिक्रीजिंग रेंज आई जो है करंट वो आई जी से भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो इसका मतलब आई माइनस आई जी टर्म कैसे जानी चाहिए, नेगेटिव, और ये टर्म नेगेटिव, तो इसका मतलब एस कैसा होना चाहिए, ये वाली टर्म नेगेटिव, तो एस कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, दिस इंप्लाइज दैट एस होना चाहिए कैसा, नेगेटिव। क्या नेगेटिव रेजिस्टेंस इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, व्हिच इज इम्पॉसिबल। इसका मतलब ये हुआ कि हम एमिटर की रेंज को घटा नहीं सकते, बढ़ा तो सकते हैं फॉर इंक्रीजिंग रेंज, रेंज बढ़ाने के लिए बताइए क्या होता है, I greater than IZ होगा, तो I minus IZ टर्म कैसे आएगी भाई बताइए, इधर तरफ आएगी पॉजिटिव, और ये टर्म पॉजिटिव, इसका बायस कैसे आएगा, कोई पॉजिटिव वैल्यू स्मॉल वैल्यू आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, तो विच इज पॉसिबल। इसका मतलब एमीटर की रेंज को आप घटा नहीं सकते, क्या कर सकते, केवल बढ़ा बढ़ा सकते। अब मान लीजिए सपोज आपने रेंज बढ़ा दी, क्या कर दी, रेंज बढ़ा दी, और रेंज कैसे बढ़ा दी कि पहले करंट था कितना IZ, ठीक है, और अब जब सेंटर रेजिस्टेंस यूज किया तो अब करंट कितना हो गया I, कितना IZ by, पहले तो करंट था IZ, अब करंट कितना हो गया I by N हो गया, और ऐसा करने के लिए जो सेंटर रेजिस्टेंस यूज किया जाएगा वो गैल्वेनोमीटर के लिए कितना होगा S इज इक्वल टू जी ओवर एन माइनस वन, ठीक है, ये रिजल्ट भी हमने ध्यान रखना है, यदि हमें रेंज कितनी करनी हो एन टाइम्स चेंज करनी हो करंट की। तो दिस वाज अबाउट द कन्वर्जन इनटू एमीटर। अब हम वोल्टमीटर की बात करते हैं, वोल्टमीटर क्या होता है, कैसे कन्वर्ट करते हैं। So now we convert the galvanometer into a voltmeter. पहले हम ये समझिए कि voltmeter होता क्या है। Voltmeter जैसे कि नाम से लग रहा है, किसको measure करता है? Potential differences को measure करता है in a circuit. और voltmeter actually है क्या? Is a high resistance galvanometer. वोल्टमीटर इज ए हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। एमीटर तो क्या होता था, लो रेजिस्टेंस का गैल्वेनोमीटर, लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर एमीटर कहलाता है, और हाई रेजिस्टेंस का गैल्वेनोमीटर क्या कहलाता है, वोल्टमीटर कहलाता है, वोल्टमीटर बन जाता है। सो वोल्टमीटर इज ए हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर, और आइडियल वोल्टमीटर का तो रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई मींस इनफाइनाइट, क्या होगा इनफाइनाइट। और एमीटर की बात करते हैं, एमीटर का लो रेजिस्टेंस होता था, तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा,
जी ठीक है। तो आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हाई रेजिस्टेंस, और आइडियल एमीटर की बात करते हैं उसका रेजिस्टेंस क्या होता है जीरो। सो वोल्ट मीटर इज ए हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंसेस, द पोटेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन टू पॉइंट्स इन ए सर्किट इज ए हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। हाई रेजिस्टेंस का गैल्वेनोमीटर जो कि वोल्टमीटर बन गया है, और वो वोल्टेज में मेजर करने का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का आता है। पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल किस में सेम रहता है पैरेलल में, जिसका मतलब जो गैल्वेनोमीटर बन गया उसको सर्किट किस में जोड़ा पैरेलल में ठीक है। एस वी रिमेंस सेम इन पैरेलल सो वोल्टमीटर is always connected in a parallel to the circuit in a circuit parallel में connect करें। अब बात ये आती है कि कैसे इसको गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करें into a वोल्टमीटर। अब गैल्वेनोमीटर खुद का तो रेजिस्टेंस लो होता था, लेकिन अब हाई रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना, तो रेजिस्टेंस हाई बढ़ता कब है, जब सीरीज में कोई रेजिस्टेंस जोड़े हाई रेजिस्टेंस। अभी कहोगे गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए वोल्टमीटर ऑफ दिस रेंज जीरो टू वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग ए हाई रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस कितना भाई आर इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर, इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का सीरीज में कोई रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस जोड़ दीजिए, तो 3000 5000 10000 20000 ऐसा, और उसको जब कनेक्ट करता रेजिस्टेंस हाई बन गया, हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर क्या बन जाएगा वोल्टमीटर, उसको किसमें जोड़ा जाएगा सर्किट के पैरेलल में ठीक है। तो ये आपके पास गैल्वेनोमीटर कहने का मीनिंग ये हुआ कि भाई ये आपके पास है क्या गैल्वेनोमीटर ठीक है। अब इसका खुद का तो रेजिस्टेंस लो होता है, लेकिन इसको हाई रेजिस्टेंस के गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करना, मतलब सीरीज में कौन जोड़े एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ दिया, कितनी वैल्यू कैसे आर, इसका रेजिस्टेंस तो गैल्वेनोमीटर का जी था, और ये फुल स्केल का जो डिफ्लेक्शन करंट है क्योंकि सीरीज में कनेक्ट क्या रहता है सेम, तो ये आई सी करंट ही जाएगा यहाँ से, और ये कोई दो पॉइंट मान लीजिए सर्किट के जहाँ पे कनेक्ट करना है से ए और बी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए ठीक है। ये क्या बन जाएगा अभी का वोल्टमीटर बन जाएगा इन दो पॉइंट्स के बीच में, और इसको कनेक्ट किया जाएगा उस सर्किट के अंदर किसने पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा। अब देखिए आप यहां दो चीजें मान लीजिए कि मान लीजिए करंट फोर सिंगल डिवीजन एक हानि तक का डिफ्लेक्शन लाने के लिए कितना करंट चाहिए, वो कितना है के, और एन क्या मान लिया टोटल डिवीजन, तो फुल स्केल का जो डिफ्लेक्शन करंट कितना होगा आई जी, और आई जी कितना हो जाएगा एन इंटू के, दैट इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। तो इसका मतलब IC कितना हो गया N into K हो गया आपके पास। अब ये जब IC जा रहा है सीरीज में, अब क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस कितना होता है RS is equal to effective R1 plus R2, तो R1 कितना G और R2 कितना है R, तो R plus G या G plus R आपने लिख लिया इसको, so that is effective resistance, तो R plus G या G plus R लिख लिया equation first R effective। अब क्योंकि R हाई है तो G के साथ जब जुड़ेगा तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी कैसा हो जाएगा हाई रेजिस्टेंस का बन जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना,
VAB, वो कितना होगा? V रेंज का होगा, ठीक है? और वो कितना होना चाहिए? करंट इनटू द रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस किनका? इनका इफेक्टिव, R इफेक्टिव, ठीक है? सो V हमने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, कितना मेजर करना है? V हमने मेजर करना है, क्योंकि 0 टू V रेंज का हमने इसको बढ़ाया है। तो V इज इक्वल टू IC into R effective कितना है? इसमें सेकंड में रख दीजिए वैल्यू, कितनी है? G plus R, ठीक है? तो यहां से मेरे को ये निकालना कि R कितना कनेक्ट किया जाना चाहिए रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर। तो इसको V over IC ऐसे लिखते हैं, क्योंकि इसके साथ IC क्या था? मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो गया। सो V over IC is equal to G plus R। तो अब हम R निकालना, तो G इसके साथ प्लस में दे दे रहा, कैसा हो जाएगा? माइनस में। सो R इज इक्वल टू V ओवर IZ माइनस G। इस वैल्यू का आप हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी कैलोमीटर के साथ, तो वो क्या बन जाएगा? एक वोल्ट मीटर बन जाएगा। अब उस वोल्ट मीटर को सर्किट के किसमें जोड़ना है? इन पैरेलल जोड़ना है, इन पैरेलल टू सर्किट। तो यहां पे देख ही चुके थे, क्योंकि एज इफेक्टिव रेजिस्टेंस तो कितना है? G प्लस R है, तो ये R हाई है, तो इसका मतलब R इफेक्टिव भी कितना होगा? हाई होगा, हाई रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है? हाई। और अगर सपोज किसी वोल्ट मीटर की रेंज हमने क्या करनी है? एन टाइम्स करनी है। तो एन टाइम्स करने के लिए जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाएगा वो कितना हो जाएगा? n माइनस वन इंटू जी फॉर मेकिंग n टाइम्स रेंज, n टाइम्स रेंज करने के लिए। ये ध्यान रखिएगा, n माइनस वन इंटू जी, इसमें रेजिस्टेंस बढ़ा ना, तो n टाइम्स जी कर, और जी खुद है, तो n टाइम्स जी करेंगे और जी करेंगे तो जी कैंसिल हो जाएगा, तो n टाइम्स हो जाएगा। आपने ध्यान रखा। सो दिस वॉज अबाउट द सेकेंड चैप्टर ऑफ द थर्ड यूनिट। न्यूमेरिकल हम इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ हमारे पास एक बीच में छोटी सी ड्रम जो कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एमसीसी के जस्ट बाद में पड़ी जाती है। सेंसिटिविटी है, दो तरह की टाइप की सेंसिटिविटी होती है, एक तो करंट सेंसिटिविटी और एक वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वो सेंसिटिविटी और डिस्कस कर देते हैं, और उसके बाद जो न्यूमेरिकल पोर्शंस है, प्रॉब्लम्स है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो करंट सेंसिटिविटी की भी बात करें तो हम ये कहते हैं, करंट सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि दैट इज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर कॉइल, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड थीटा, कितना डिफ्लेक्शन आता है पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट। ये आईएस करंट नहीं, याद रखना, करंट सेंसिटिविटी सिंबल के लिए यूज किया। तो इसका मतलब आईएस लिखे, दैट इज व्हाट थीटा वाली आई, कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ। डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा किसके अंदर? होगा डिवीजन के अंदर होगा, और करंट किसके अंदर होगा? एम्पियर। तो इसकी जो यूनिट बनेगी क्या बनेगी? डिवीजन पर एम्पियर, या फिर क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो एंगल की यूनिट होती है रेडियन, सो रेडियन पर एम्पियर, ये इसकी क्या होगी? यूनिट होगी। जब गैल्वेनोमीटर डिस्कस किया था तो हमने ये रिलेशन निकाला था, आई इज इक्वल टू के बाई एन ए बी और थीटा, याद है ना? इसको गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोला था, तो हमें थीटा बाई आई करना है। इसका मतलब इस टर्म को इधर ले, सो दिस इंप्लाइज दैट थीटा बाई आई विल बी इक्वल टू एन ए बी और डिवाइडेड बाई के। और इस थीटा वाई आई टर्म को क्या बोल रहे आप? करंट सेंसिटिविटी। सो आई एस इज इक्वल टू इट इज एन ए बी बाई के। ये हमारे पास क्या होगी? करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाना है तो एन बढ़ाना पड़ेगा, ये बढ़ाना पड़ेगा, बी बढ़ाना पड़ेगा, और के क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो पहले वोल्टेज सेंसिटिविटी डिस्कस करते हैं, उसके बाद बात करेंगे इसके बारे में कि सेंसिटिविटी को कैसे चेंज किया जाए। तो अब हम बात करें किसकी? वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी वी एस से लिखते हैं,
अगर गैल्वेनोमीटर को देखा तो रेजिस्टेंस अगर जी है गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस ठीक है, और इसको अगर मैं आर मान लेता हूं ठीक, तो आपके अकॉर्डिंग वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वोल्टेज अप्लाइड, जैसे आया था डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करंट अप्लाइड, तो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस मींस थीटा पर यूनिट करंट की वजह से वोल्टेज पर यूनिट वोल्टेज अप्लाइड ठीक है, मींस वोल्टेज सेंसिटिविटी अगर वी एस लिखें तो क्या होगी थीटा बाय वी होगी ठीक है। अगर हमने कहा कि जो रेजिस्टेंस है वो गैल्वेनोमीटर कॉइल का वो आर है और उसके अंदर करंट जा रहा है आई, तो उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टेज होगी वो कितनी होगी, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो यहाँ V की जगह हम कितना लिखते I into R लिखते हैं, सिंस V is equal to I R ठीक, तो यहाँ टर्म आ गई Vs, और Vs कितना होगा थीटा बाय I, टर्म को क्या कहें थीटा बाय I इस पर करंट सेंसिटिविटी, तो इसको हम लिखते हैं Is, सो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी Is करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, याद रखना ये ओम्स लॉ वाला नहीं चक्कर है कि कभी सोचो करंट है और रेजिस्टेंस है वो V is equal to IR होता है ठीक है। तो इसका मतलब ये अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी लिखे तो जो करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू आई है कितनी आई है, करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू एन सो वोल्टेज सेंसिटिविटी की वैल्यू करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू रखते हैं और रेजिस्टेंस से डिवाइड करें तो आ सकती है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी हमारे पास एन ली बी बाई के, सो एन ए बी बाई के और इंटू आर, तो ये हमारे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी आ गई। यूनिट क्या होगी इसकी, क्योंकि थीटा की यूनिट का क्या होती है रेडियन और वोल्टेज की होगी वोल्ट, सो इसकी यूनिट जो होगी दैट विल बी व्हाट रेडियन पर वोल्ट या डिविजन्स पर वोल्ट। तो अगर कोई गैल्वेनोमीटर को सेंसिटिव बनाना है आपने तो सेंसिटिविटी का मतलब ये है सेंसिटिव सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर सेड टू बी मोर सेंसिटिव यदि उसकी करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू क्या होगी हाई, वही करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू हाई होने का मीनिंग क्या है समझिए, क्योंकि आई एस तो आपके पास है थीटा बाय आई, तो इसका मतलब थीटा तो क्या हो लार्ज और आई की वैल्यू क्या हो स्मॉल, तो गैल्वेनोमीटर सेड टू बी मोर सेंसिटिव इफ इट शोज लार्ज डिफ्लेक्शंस deflections even for small current, even for small current, तो इसका मतलब ये कि हमें थीटा लार्ज चाहिए और आई क्या चाहिए स्मॉल, तो आपने लिखा था एस आई एस इज इक्वल टू थीटा बाई आई, जब किया तो हमारे पास ये फैक्टर आया था एन ए बी बाई के, तो इसका मतलब ये हुआ कि आई एस को बढ़ाने के लिए हमें ये फैक्टर बढ़ाने पड़ेंगे एन ए बी और के, तो क्या क्या चीज होनी चाहिए देखिए, पहला तो कि एन लार्ज होना चाहिए, एन लार्ज का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स जो गैल्वेनोमीटर के आप कॉइल कैसी भी शेप की बना रहे हैं रेक्टेंगुलर बना रहे हैं सर्कुलर बना रहे, तो जब नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा वाइंड करेंगे तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से वो बल्की भी हो जाएगा, तो इनमैनेजेबल हो जाएगा, तो ऐसा भी हम बियॉन्ड द लिमिट नहीं कर सकते। दूसरी चीज कि हम एरिया बढ़ाते हैं, एरिया बढ़ाने का मतलब उसकी डायमेंशन हमने इंक्रीज कर दी, और डायमेंशन जब इंक्रीज करेंगे तो बड़ा गैल्वेनोमीटर हो जाएगा, बल्की हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, इनमैनेजेबल हो जाएगा, तो ऐसा भी हम बियॉन्ड द लिमिट नहीं कर सकते। थर्ड चीज है कि स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड को बढ़ाते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड को तो बढ़ा सकते हैं क्योंकि B इज इक्वल टू आपने पढ़ा है कितना होता है म्यू नॉट एन आई सोलनॉइड का एक पैकेज, तो B किसके प्रोपोर्शनल है आई के ठीक है, या तो आप जो परमानेंट मैग्नेट अगर यूज करें तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड वैल्यू का यूज करें, सपोज एलनिको या म्यू मेटल के आप जो मैग्नेट है वो यूज करें। तीसरा फैक्टर चौथा फैक्टर है कि K क्या होना चाहिए लीस्ट, और K लीस्ट किसका होता है परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल,
और परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल आपने 11th में भी पढ़ा होगा, परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल हम किन यूज करते हैं, क्वार्ट्ज एंड फॉस्फर ब्रोंज, फॉस्फर ब्रोंज, क्वार्ट्ज और फॉस्फर ब्रोंज के हमने एयर कोइल स्प्रिंग ली थी SLS और सस्पेंशन स्ट्रिप भी, तो परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल के लिए ऐसा होता है, तो हम ऐसा चूज करते हैं कि मेरी कम से कम लेकर के IS बढ़ जाती है, ये कॉमन नॉर्मल सी रेंज में मीडियम के रेंज के अंदर रखते हैं ताकि मैनेज हो सके। सो दिस वाज अबाउट द सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर।